अधिकतर लोग अघोर साधना व तंत्र साधना को समान समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। तंत्र साधना में मुख्य रूप से तंत्र मंत्र और यंत्र का प्रयोग होता है और इन तीनों में तंत्र सबसे पहले आता है। तंत्र एक ऐसी रहस्यमय विद्या है जिसका प्रचलन हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्धों में भी है। आइए जानते हैं तंत्र साधना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में हैं। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब तंत्र शास्त्र के अन्य ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में 199 तंत्र ग्रंथ हैं। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप से भारत, चीन, तिब्बत, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा। तंत्र मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, वाम तंत्र और दूसरा सौम्य तंत्र। वाम तंत्र में पंच बकार में मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन साधना में उपयोग लाए जाते हैं, जबकि सौम्य तंत्र में सामान्य पूजन पाठ व अनुष्ठान किए जाते हैं। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विदेशवन, उच्चाटन, मारण और स्तंभन मुख्य रूप से ये 6 क्रियाएं की जाती हैं, जिनका अर्थ वश में करना, सम्मोहित करना, 2 अति प्रेम करने वालों के बीच गलत फहमी पैदा करना, किसी के मन को चंचल करना, किसी को मारना, मंत्रों के द्वारा कई घातक वस्तुओं से बचाव करना। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, 1 साथ 5 से 5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव हैं। तंत्र का गुरुवार महादेव को माना जाता है। उसके बाद भगवान दत्तात्रेय और बाद में सिद्धयोगी नाथ व शाक्त परंपरा का प्रचलन रहा है। दत्तात्रेय के अलावा नारद, पिप्पलाद, परशुराम, संकादि ऋषि आदि तंत्र को ही मानते थे। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणित हो जाते हैं। मंत्र मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। तंत्र में सबसे अधिक बीज मंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे महालक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए श्री बोला जाता है। मान्यता है कि इन बीज मंत्रों को बोलने से शरीर में एक विशेष तरंग पैदा होती है जो इस मंत्र से जुड़ी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है। तंत्र साधना में देवी काली, अष्टभैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविधा, 64 योगिनी आदि की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में भैरव और शिव की साधना की जाती है। इसके अलावा यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा जैसे करीबी लोक के निवासियों की भी साधना की जाती है ताकि काम जल्दी पूरा हो